पहुंच चुके हैं यार। एक बार क्राउड चेक करो, नेक्स्ट लेवल। अभी शुरुआत करते हो तो 1.5 से 2 घंटे में दर्शन मिल जाएंगे। तो गाइस दर्शन हुए बिल्कुल नेक्स्ट लेवल के। भीग गया मैं पूरा यार, और ना मेरा पार्टनर मिल रहा है यार, पता नहीं कहाँ गया। कम से कम 1-1.5 घंटे नॉन स्टॉप रेन हुई है यार, और मेरी तो हालत ख़राब हो गई है। वापस जा रहा हूँ, दर्शन हो गए, प्रसाद बैग में रखा है। ये भाई है अपने, ये लो भाई, हर हर महादेव। सर्च कर लेना रोलिंग टायर। ओ भाई वो देखो यार, पहाड़ देखो सामने यार, बर्फ दिख रही है यहीं से यार, बिल्कुल क्लीन यार, अलग ही क्रिस्टल की तरह चमक रहे हैं माउंटेन्स। और गाइस यार मैं बहुत थक गया यार, ये समझ लो मैं 1 घंटे ना भीगा हूँ बारिश में, और लाइन पर लगा हुआ था रेनकोट पहन के, तो कैसे कैसे धक्के पुक्के लगकर पहुँच गया आखिरकार दिल्ली टू तुंगनाथ अपनी राम प्यारी से यार, बाबा जी तक। बादलों को टच कर दिया आज हमने। सो हाय गाइस, ये हमारा रूम है रात को, जो कि हमने लिया था, और सारे इक्विपमेंट डेड होने की वजह से ना रात को कुछ सूट ही नहीं कर पाए। बस आए थे, रूम लिया और खाना खाया और सो गए थे। अब उठे हैं यार, और अब थोड़ा फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके ना निकलना है घर के लिए। तो गाइस यहाँ स्टे करा था हमने, और दुर्गा होम स्टे, अब निकल रहे हैं यार, और यहाँ से व्यू चेक करो एक बार। तो गाइस करते हैं टायर को रोल, रोलिंग टायर। दिल्ली के लिए चीते निकल चुके हैं, और यार व्यू भी बड़ा प्यारा है। तो अगेन रोलिंग टायर वाला मोड ऑन करना पड़ेगा, और राइट नाउ ऑन हो चुका है। तो गाइस मैं ना आराम आराम से चलता हूँ, और बताता हूँ यार कल क्या क्या हो गया यार। कल जब हम ऊपर जा रहे थे, मतलब ट्रैकिंग करते हुए दर्शन के लिए, तो यार मतलब ये समझ लो कि ये काफ़ी पीछे हो गया था। अब मैंने 1 घंटा वेट करा है वहाँ पर, और फिर बारिश में भीगा अलग, फिर मैंने रेनकोट लिया, और फिर रेनकोट पहन कर ना यार मैंने दर्शन किए, और जैसे मैंने दर्शन किए ना बड़े हार्ड दर्शन थे यार। वैसे मैं अकेला नहीं था यार, वहाँ तो बहुत ही लोग थे, सबके लिए ही स्ट्रगलिंग टाइम था। सब मतलब ठिठर रहे थे यार, यूं दांत ऐसे गड़गड़ाते हैं ना ऐसे, भाई ऐसे ही मेरी हालत थी यार। कैसे कैसे करके लाइन में सबसे पीछे लगा था मैं, बंदे आते हैं लाइन में आगे जाके लग जाते हैं यार, बताओ यार। दर्शन कर रहे हो यार, ढंग से कर लो यार, चिटिंग कर रहे हो यार। तो यार वैसे तो चढ़ाई इतनी खतरनाक है, तो दर्शन तो कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से दर्शन मतलब लाइन पर लगना पड़ता है। लेकिन रेन स्टार्ट हो गई थी यार, और रेन की वजह से ना मतलब ये समझ लो इतनी तेज़ रेन स्टार्ट हो गई थी, मैं जब तक वहाँ पर खड़ा था पहले, जब मैं इसका वेट कर रहा था ना, तो जब तक सब ठीक था, अचानक ना जाने क्या हुआ, अचानक से कोहरा हो गया, विजिबिलिटी ख़त्म हो गई, 50 मीटर का दिखना मुश्किल हो गया, और रेन नॉन स्टॉप होती जा रही है यार, होती जा रही है, और कम से कम 1-1.5 घंटे हुई है। मैंने दर्शन करे ना रेनकोट लेकर, मैंने भीग भीग के ही करे हैं, लेकिन मज़ा आ गया एकदम। और फिर जैसे जैसे दर्शन हुए, और फिर मैं ट्रैकिंग करते हुए नीचे आ रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने बाइक पार्क नीचे की है, तो ये अगर ऊपर भी आएगा और अगर दर्शन नहीं भी करेगा, या मतलब फाइनल यही था कि मतलब नीचे मिलना था, हमने बैग भी जमा करवा रखा था कहीं पर, और हेलमेट भी जमा करवा रखा था। तो फिर ट्रैकिंग करते करते मैं नीचे आया हूँ, तो 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही ये मिल गया मेरे को, फिर जाकर मेरी जान में जान आई। और जहाँ हमने सामान जमा करवाया था, तो हमारा तो प्लान था कि वहीं पर हम रूम ले लेते यार। यार हमने सोचो दिल्ली से 12 बजे निकले हैं हम, 11:30-12 बजे निकले रात को, और हम अगले दिन नेक्स्ट डे 12 बजे पहुँच गए यहाँ पर तुंगनाथ। हमने होटल वोटल देख रहे थे हम, और यार होटल मतलब इतना ख़ास नहीं था, थोड़ी स्मेलिंग आ रही थी कहीं से, कुछ पसंद नहीं आया। और फिर हम
हमने सोचा तुंगनाथ के नियर में लेते हैं, वहाँ बहुत एक्सपेंसिव था। और कसम से मैंने पहले कभी सोचा था कि बाइक चलाते हुए जाऊँगा तुंगनाथ और वहाँ पर मतलब होटल नहीं लूँगा और वहाँ करूँगा ट्रैकिंग और दर्शन और आने के बाद लेंगे होटल। तो ये सोचा था हमने, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं था करने का, ना मैंने इसको बोला था, लेकिन ना चाहते हुए वही हो गया। कैसे? ऐसे कि भाई हम वहाँ पहुँचे और फिर रूम भी एक्सपेंसिव था और वहाँ क्राउड इतना था, मैंने कि बाइक भी कहाँ पार्क करूँ यार, बाइक पार्क करने की जगह नहीं थी यार, कसम से बहुत क्राउड था यार, बहुत पब्लिक आ रखी थी बहुत। तो मैंने कहा यार बाइक पार्क करने की प्रॉब्लम है। फिर हमने जैसे तैसे करके हमने कहा चल बेटा ट्रैकिंग करते हैं, मैंने इसको बोला, इसने कहा कर लेंगे ठीक है भाई, मैंने चल। फिर हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की है और कसम से 4 किलोमीटर कहने के लिए है, बहुत हैवी ट्रैकिंग है, बहुत हार्ड चढ़ाई है यार, मतलब ये समझ लो खड़ी होती जाती है चढ़ाई, स्टार्टिंग में थोड़ी लाइट रहती है और खड़ी होती जाती है यार चढ़ाई, और बड़ा भाई पेन होता है भाई बॉडी में यार, कसम से इतने घुटनों उटनों में कुछ भी पेन नहीं हुआ कि जोड़ों में जॉइंट में पेन आ गया मेरे, तो यहाँ ये जो होता है ना थाई के ऊपर वाला एरिया, यहाँ पेन हो गया यार। एक टाइम ऐसा आ गया कि मतलब सीढ़ी पे पैर नहीं रख पा रहा यार, मैंने कहा चलो ठीक है यार जो भी है मज़ा आ गया, लेकिन भाई पेन यार, पेन का भी अलग ही फील है यार। देखो एवरी डे तो हम अपनी बॉडी को यार आराम ही देते हैं, घर में खाना पीना खाते हैं, मस्त रहते हैं, सब कुछ मस्त करते हैं, तो यार बॉडी को भी अलग एक्सपीरियंस मिलना चाहिए ना। और मेरे हिसाब से तो बहुत अलग एक्सपीरियंस मिल गया बॉडी को, क्यों? क्योंकि अनएक्सेप्टेड था सब कुछ। हम 12 से 12 बजे तक हमने ड्राइव की है, ठीक है 12 घंटे हमने ड्राइव की है, फिर हमने ट्रैकिंग की है और ट्रैकिंग करके हम ऊपर गए हैं, और ऊपर पहुंचने के बाद वेदर ओके था और ना जाने वेदर को क्या हो गया भाई, वेदर ने हमारा एक्सपीरियंस ना मतलब और डेंजरस कर दिया। ये बारिश ही बारिश, कोहरा इतना खतरनाक यार, और बारिश इतनी हुई है ना आते टाइम तो बिल्कुल गीला हो गया था पूरा जो एरिया होता है ना वॉकिंग करते करते, जो ट्रैकिंग करने का एरिया है सब गीला हो गया, मतलब इतनी बारिश हुई है यार क्या बताऊं। अब इतनी बारिश होने की वजह से फिसलने का डर, उतरते टाइम भी हार्ड यार सब कुछ, और उतरते टाइम यार आप समझ ही सकते हो पैर यार अपने आप ही भागते हैं, पर उतर गए हम जैसे तैसे उतर गए हम। और फिर हम भाई पहुँचे हैं नीचे और अपना सामान वामान उठाया हमने और बाइक ली है, और बाइक लेकर निकल गए नीचे की तरफ। फिर हमने कम से कम 20-22 या 25 किलोमीटर अप्रोक्स नीचे की तरफ आए हम, और फिर हमने होटल लिया था ये, और हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं था बैटरी का। तो यार मैं ना मतलब छोटी छोटी क्लिप बना रहा था, क्योंकि मेरे पास एक बैटरी थी, कैप्चर करने के लिए बहुत कुछ था मेरे पास ना एक बैटरी थी, तो एक बैटरी से फिर भी मैंने बहुत कुछ कैप्चर करा, मैंने बैटरी बचा के ना अच्छे से यूज़ करा उसका। और बैटरी का दायन जब हुआ, जब हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हुई है, अपने आप कैमरा ऑफ हो गया। अब गोप्रो की बैटरी ना झटके से डाउन हो जाती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर वर्क करती है, लाइक जैसे एंड चल रहा है ना 20 शो कर रही है, तो 20 का एंड है, फिर ना जाने वो कब 10 पे आए और फिर 0 हो जाए, तो ये होता है। और वो फिर भाई कुछ बैकअप ही नहीं हमारे पास, ना फ़ोन है ना बैटरी, क्योंकि 3-3 बैटरी कैरी करता हूँ मैं गोप्रो की, और ऊपर से ये देखो ये चार्जर है सिमटेक का, ये मैंने यार 1,500 रुपये का लगवाया था इसी पर्पज़ से कि मैं लॉन्ग टूर चेस करूँगा ना तो जब ये काम आएगा, यार ये वर्क ही नहीं कर रहा, वरना हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। इसमें आराम से USB केबल कनेक्ट करके और बैटरी आराम से चार्ज कर लेते, फ़ोन भी चार्ज कर लेते यार। अब ये सोचो फ़ोन चार्ज ना होने की वजह से ना इसका फ़ोन चार्ज था ना मेरा फ़ोन चार्ज था, नेटवर्क तो थे वहाँ पर, इसका फ़ोन डेड मेरा फ़ोन डेड, तो भाई कैसे कॉन्टेक्ट करें एक दूसरे को। 3-4 लड़कियाँ थी तो मैंने उनको बोला यार पावर बैंक है आपके पास, तो उन्होंने दिखाया पावर बैंक, वो भी उस टाइम पर इतनी बारिश हो रही थी कोई भी मना कर देगा यार, उन्होंने पावर बैंक दिखाया और बारिश हो रही है, हम कहीं सर बचा के नीचे खड़े हुए थे कहीं, और भाई उन्होंने पावर बैंक दिखाया, मेरा फ़ोन ऑन हुआ, मैंने इसको फ़ोन करा तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, अब बताओ क्या करे। फिर मेरा भी फ़ोन ऑफ ही हो गया, मैंने उनका पावर बैंक वापस करा, और फिर मैंने कहा ये लड़का आएगा तो ये पक्का दर्शन कर लेगा, ऐसा ना हो इसका वेट करते करते मैं दर्शन ना कर पाऊँ, और वो ही हुआ, मैंने रेनकोट ले लिया बारिश में ही और मैं दर्शन करने चले गया, और ये भी दर्शन करके आ चुका फिर। और नीचे जब 1-1.5 किलोमीटर मैं नीचे आया हूँ तो ये मिला है, इसने दर्शन करे, कोई और मिल गया
तो उनके साथ हो गया। तो अच्छा हुआ इसने दर्शन कर लिए यार। तो जो भी था गाइस बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। देखो बहुत स्ट्रगलिंग एक्सपीरियंस था। ये वेदर है ना, मतलब देखो यहाँ वेदर कितना क्लीन है, लेकिन जब तुंगनाथ पे आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो ना टॉप पर, तो वहाँ वेदर ना चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रेनकोट कैरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, 150-200 रुपये में बहुत अच्छे रेनकोट मिल जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ से परचेज कर सकते हो, रेनकोट ले लो वहीं से। आपको ऐसा नहीं है कि दिल्ली से ही कैरी करना पड़ेगा, हैंड टू हैंड मिल जाएंगे वहाँ पर। पर ये है वहाँ का ना वेदर बड़ा अचानक ही चेंज हो जाता है, तो अनएक्सेप्टेड है वहाँ सब कुछ। थोड़ी चेसिंग मोड पे आ जाता हूँ ना, फिर बाइक चलाता हूँ बिल्कुल फोकस करके, थोड़ी तेज चलाता हूँ यार, क्या करूँ यार, आदत से मजबूर हूँ। तो गाइस चलो थोड़ी चेसिंग वेसिंग करते हैं, थोड़ा आगे जहाँ व्यू कैप्चर करने का मौका मिलता है ना, अच्छा व्यू होता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक एंड शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। मेहनत तो लगती है यार वीडियो बनाने में, मतलब मेहनत डबल ही लगती है। जो बंदा आप लोगों को व्लॉग भी बना के दिखाता है ना, तो मतलब आप समझ सकते हो यार। इक्विपमेंट्स देखो कैसे कैसे करके बचाए यार मैंने। कल बारिश हो रही थी, मैंने अपने फ़ोन को पन्नी वन्नी में रखा, गोप्रो को भी ना अच्छे से पन्नी में पैक कर दिया था मैंने। मैंने कहा यार भीग ना जाए, भीग गया तो मेरी औकात ही नहीं यार मैं दोबारा परचेस कर पाऊँगा यार, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। जब लिया था जब तो 36 का था, अब चलो 26 का है, लेकिन अब भी नहीं ले पाऊँगा क्योंकि अभी तो फ़ोन लेने का ही बजट नहीं है। क्या क्या लेगा अगला बंदा। तो गाइस यार हवा ना हवा कम है, टायर में हवा भरवा लेते, और पता नहीं क्या है इसका ना ब्रेक ऑयल लीक कर रहा था। ये देखो अब भी कर रहा है, ये देखो, तो इसका भी पता करते हैं यार। तो गाइस यार इसका ना मैटर हो गया ब्रेक का, इसमें पता नहीं क्या होता है, वो कह रहा ख़राब हो गया, 400-500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा ऑयल डाल के चल जाएगा, कह रहा हाँ चल जाएगा काम। मैंने कहा दिल्ली तक चली जाएगी, कह रहा हाँ भाई दिल्ली तक चली जाएगी। मैंने तो भाई ऑयल डाल दे तू, दिल्ली में देखेंगे क्या करना है। सही व्यू आ रहा है भाई, बहुत सारा पानी है। तो गाइस देखो ये ट्रक वाला मुझसे रेस लगा रहा था, खाओ मां कसम, देख लो क्या हाल हो गया इसका। ओवरटेक करने के चक्कर में ना भाई नीचे चल दिया है। अभी पीछे बस वाले भी रेस लगा रहे थे मुझसे, दो दो बस वाले रेस लगा रहे थे भाई पीछे ना, मेरे पीछे लगा के दह होरन ही होरन, होरन ही होरन। और यार इतना ढीठ बस वाला था भाई, 80-90 चला रहा था यार, 90-100 चला रहा है यार, मानना पड़ेगा। पब्लिक तो रुकने को राजी नहीं है। दिल के सुकून को भी लोगों ने ही छीना है, दिल क्यों ना सहमे पहले देखो छीला सीना ये तेरी कसौटी। यार ये ट्रक भट नीचे गिरेगा, कोई पिचक जाएगा यार। क्या हो गया यार बताओ यार। अरे भाई इधर से ना जाऊंगा मैं, कभी मेरे ही ऊपर गिरे।